हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अमृत क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ 2 होममेड ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ इन अ वीक। तो आज टर्न है हमारे सेकंड होममेड ब्यूटी टिप्स की इन दिस वीक। आइए शुरू करते हैं। मेरा आज का ब्यूटी टिप्स है मुल्तानी मिट्टी को लेकर। ये देखिए, मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ये तासीर में ठंडी होती है और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिका एंड आयरन पाया जाता है। इस होममेड ब्यूटी टिप्स का दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा लेमन, यानी कि नींबू, क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होती है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेमन ऑयली स्किन वालों के तो लिए एक रामबाण होता है। लेमन से झाइयाँ, झुरियाँ और सनटैन की जो प्रॉब्लम होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। अब चलते हैं हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है टर्मरिक, यानी हल्दी। कोशिश कीजिए आप हल्दी को लेकर और खुद घर पे पेस्ट बनाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। ये देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने मुल्तानी मिट्टी को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। कोशिश कीजिए आप मुल्तानी मिट्टी को इस वे में ले और खुद से घर पे अपने आप इसको ग्राइंड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पाउडर फॉर्म में इसको लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसमें हमें ऐसे नींबू को अच्छे से एक नींबू को इसमें निचोड़ लेना है। 1 पिंच जो हमने टर्मरिक ली है वो भी हमने इसमें डाल देनी है। टर्मरिक जो है ये स्किन लाइटनिंग का काम करती है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। इसके बाद हमने लेना है रोज़ वाटर। और एक बात का ध्यान और रखिए, ये पेस्ट बनाने के लिए कांच का या प्लास्टिक का बाउल ही आप लीजिए, अदर कोई भी इसमें यूज़ ना कीजिए। इसको अच्छे से बढ़िया वाला इसका पेस्ट हम बना लेते हैं। ये पैक भी हमारा फुल बॉडी का है। ये ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ फेस फेस पे ही लगाएं, इसको हम फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं। मैं इसको दिखाऊंगी आपको यूज़ करके, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका इतना पतला पेस्ट बना लिया तो ये फेस पे कैसे अप्लाई होगा। तो अब देखिए इसका मैं क्या करने वाली हूँ। इस पेस्ट को हम ये आइस क्यूब जो होती है ना, आइस क्यूब में फिल करके ऐसे रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। हम इसको 7 डे के लिए 7 क्यूब बना के रख सकते हैं और डेली 1 क्यूब को ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए, अब इसको मैं क्यूब्स में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीजर में रख दूँगी और फिर इसको यूज करूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पेस्ट बचता है इसको अप्लाई करते हैं। चलिए, इसको अप्लाई करने के लिए आप हैंड से या ब्रश से कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको किसी भी चीज़ का आप यूज कर सकते हैं।
इस फेस पैक का यूज़ करने से हमारी स्किन लाइट होती है और टाइट होती है, झुर्रियों वाली प्रॉब्लम हमें नहीं होती, सनबर्न भी हमारे बहुत हद तक इससे ठीक होते हैं। गर्मियों में इसका यूज करने से फेस पैक या बॉडी पैक बहुत रिलैक्स फील होता है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि मेकअप जिनका नहीं टिकता, हमें कहीं बाहर जाना हो, मेकअप बहुत रिमूव जल्दी से होने लगता है, फेस पर टिकता नहीं है मेकअप, ये फेस पैक को डेली यूज करने से उनका मेकअप टिकने लग जाता है, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कोई भी पैक हो, हमें 100% ड्राई उसको नहीं करना होता, 80-90% ड्राई होने के बाद ही हमें उसको वॉश करना होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इसको वॉश करने के बाद। इसको वॉश करना है ठंडे पानी से। ये देखिए मैंने पैक को वॉश कर दिया और रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। डियर, आप भी इस पैक को यूज़ कीजिए और रिजल्ट प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा सेकेंड टिप इन दिस वीक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और रिजल्ट मेरे साथ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।